जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपने की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश। क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर। पाँच वर्ष हो गया श्री रुद्र महायज्ञ का भव्य आयोजन होता है पूरे गांव के सहयोग से, और हमारा जीवन तो आप जानते ही हैं, त्याग वृत्ति का जीवन है, साधु का जीवन है। तो त्याग वृत्ति के दृष्टि से एक प्रण लिया है हमने, समाज के लिए, समाज के भलाई के लिए, ग्राम के भलाई के लिए, लोगों के भलाई के लिए, कि एक महीना हमको हो गया अन्न छोड़े, और जब तक जीवन रहेगा तब तक अन्न हम नहीं पाएंगे, प्रण लिए हैं। और हमारा स्वास्थ्य भी नहीं ठीक था, और इसमें हमारे थाना त्रिलोकपुर के सच्चो चंदन जी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, कि जिन्होंने पूरा मदद किया हमारा, और सतीश जी भी आए थे, उन्होंने हमारा मदद किया। स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ था। मेरा नाम अजय कुमार तिवारी है और मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ ग्राम पंचायत महादेवनंगा, ये भनवापुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ये कार्यक्रम विगत एक महीने से महाराज जी अस्वस्थ चल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा तबीयत बिगड़ चुकी थी उनकी। हम सभी ग्रामवासियों ने मिलकर, क्षेत्रवासियों ने मिलकर महाराज जी के लिए सुंदर कांड पाठ के लिए 108 बार सुंदर कांड पाठ के लिए साधना किया। वो विगत दो दिनों से चल रहा है, 108 बार सुंदर पाठ भगवान जी के, महाराज जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए हम लोग ऐसा अनुष्ठान किए हैं। महाराज जी पिछले 5 वर्षों से लगातार इस ग्राम के लिए, इस क्षेत्र के लिए और इस पूरे भारतवर्ष के लिए सदा ही तत्पर रहते हैं कि हमारे समाज में सभी लोग सुखी हों, सभी लोग जो है निरोगी हों, सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रेम मगन से रहें, भगवान की भक्ति में लीन रहे। विगत 5 वर्षों से यहाँ रुद्र यज्ञ भी होता रहा ग्रामवासियों के सहयोग से, क्षेत्रवासियों के सहयोग से, इस वर्ष भी होना है। तो महाराज जी के स्वास्थ्य के लिए हम लोग जो है ये अनुष्ठान किए। महाराज जी एक महीने से अस्वस्थ इसलिए चल रहे थे कि महाराज जी ने अनुष्ठान साना है कि इस क्षेत्र के लिए और इस ग्राम के लिए हम आज से अपना अन्न त्याग देते हैं, हम केवल फलहार पर ही जीवित रहना चाहते हैं। तो इसीलिए हम ग्रामवासियों ने निवेदन भी महाराज जी से किया कि महाराज जी अन्न ना त्यागिए, भोजन करते रहिए, लेकिन महाराज जी ने कहा कि नहीं, ये हमारा अनुष्ठान है और इसको आप लोग पूरा करने में सहयोग करें।